और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और बात सबसे अहम खबर की। देखिए, कोरोना के संकट के बीच वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर ना आ जाए, खतरा बड़ा है। लेकिन चिंता यह है कि इसी खतरे के बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है और कोरोना नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए एबीपी न्यूज की मुहिम है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एबीपी न्यूज की मुहिम रंग भी ला रही है। एमपी सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है और आज इसी सवाल को लेकर अहम बैठक हो रही है। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक होनी है। संभव है कि इस बैठक के बाद कोरोना के बीच चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला आ जाए। दो अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज बड़ी बैठक होनी है चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और दूसरी तरफ किस तरह से रैलियों में भीड़ लग रही है। और इसी पर हमारा सवाल है कि क्या रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जय जय श्री राम। साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। ओमिक्रॉन के आने से जब देश को कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है, तो चुनावी रैलियों में उमड़ती इस भीड़ को देखकर हर कोई परेशान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंता जता चुका है। एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। हर तरफ से रैलियों को रोकने की मांग उठ रही है और इसी मांग को लेकर रैलियों की भीड़ से कोरोना फैलने की चिंता को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। आज चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक है। बैठक में चुनावी रैलियों पर रोक से जुड़ा कोई फैसला आ सकता है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कई बातों पर जानकारी लेगा। मसलन, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे खतरे के बीच चुनाव करवाने का क्या नुकसान हो सकता है, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा कितना बड़ा है, ओमिक्रॉन से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने के बावजूद खतरा कितना बड़ा है, चुनावों से कोरोना फैला तो उसे कैसे रोका जा सकता है, इन सब सवालों के बीच चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, सब अपनी राजनीतिक रैली में हजारों लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसलिए चुनाव टालने की मांग के बीच विपक्ष की राय सुननी भी जरूरी है। रैली बंद करना या रैली चलाने का ऑर्डर निकालने का अख्तियार किसको है? सरकार को। जो निर्णय मोदी जी की सरकार लेगी, भाजपा सरकार लेगी, जनता के हक में कांग्रेस पार्टी उसकी अनुपालना करेगी। आप जनता से जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने ऊपर तो पालन कीजिए, और अगर आप स्वयं नहीं पालन करते तो इसका मतलब विपक्षी दलों को भी आप कहने का हकदार नहीं है। टालना है चुनाव के हार के डर से, अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष तो सरकार के पाले में गेंद फेंक रहा है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की है, उसके बाद आयोग पर भी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। और चुनाव टाला जाएगा या नहीं, इस बड़े सवाल को लेकर सबकी नजरें आज मीटिंग पर टिकी है। देखिए, एक तरफ देश में चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का संकट भी है। तीसरी लहर के खिलाफ हर तरह की तैयारी की जा रही है, लेकिन चुनावी रैलियों में उमड़ने वाला जन सैलाब कोरोना की इस लड़ाई को कमजोर कर रहा है। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो गया है कि क्या रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकते। एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है, बंद करो रैली ताकि चलती रहे जिंदगी, क्योंकि डर यह है कि सियासी रैलियों में जुट रही भीड़ कहीं कोरोना के नए विस्फोट की वजह ना बन जाए। जय जय श्री राम। साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। ये दो तस्वीरें
देश की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियों की चुनावी रैली की है। रविवार की इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कांग्रेस की तरफ से मैदान में है प्रियंका गांधी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने कासगंज में मोर्चा संभाला था, तो सीएम योगी कौशाम्बी में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। ये दो तस्वीरें अलग पार्टियों के कार्यक्रम की है, लेकिन इसमें एक समानता है, कोरोना को दावत देने वाली भीड़। इन दोनों तस्वीरों के जरिए देश की इन दो बड़ी सियासी पार्टियों से सवाल है, क्या रैलियों के बगैर नहीं हो सकता चुनाव? क्योंकि रैलियों में उमड़ता ये जन सैलाब कोरोना को न्योता देने वाला साबित हो सकता है। गौर से देखिए, यहाँ उमड़ने वाली भीड़ में शामिल चेहरों पर से मास्क नदारद है और इन रैलियों में सामाजिक दूरी की तो बात करना ही बेमानी है। भीड़ जमकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। ये आलम तब है जब कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने की होड़ सी मच गई है। रैलियों पर विपक्ष का कहना है कि सरकार के रवैये में ही गड़बड़ी है, रैली होगी या नहीं इसका फैसला तो सरकार को ही करना है। मोदी जी ने ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की। हाँ, उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में रैलियां होंगी, ठेलम ठेल रैलियां होंगी, और खुद प्रधानमंत्री जी रैलियों को एड्रेस कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट से, कोविड के इस वेरिएंट से आपका एक कोई डील हो गया है कि ये दिन में आपको फ्री पास देता है और रात को अटैक करेगा? विरोधी की दलील अलग है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मामले पर फैसला लेगी। जैसा खतरा बनेगा उसके हिसाब से निर्णय होगा। अभी जो साइंटिस्ट और डॉक्टर की सलाह है उसी को लेकर नाइट में अभी कहा गया है कि उसमें थोड़ा ध्यान रखें, इसको रैली से, इसको सरकारी कार्यक्रम से, इसको देखना ये सही नहीं। तो सरकार हालात को समझने में जुटी है। पीएम मोदी खुद मन की बात में कोरोना संकट पर चिंता जता चुके हैं कि जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। पर मोदी सरकार के मंत्री खुद कहां कोरोना की गंभीरता को मान रहे हैं, वो कितने सजग हैं ये भी देख लीजिए। तस्वीरें बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जनता को ओमिक्रॉन की आफत पर सजग कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें जागरूकता से ज्यादा आफत को दावत देने वाली हैं। भीड़ के चेहरे पर ना तो मास्क है, न ही कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है, लिहाजा सवाल तो कई बड़े खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें चिंता भी बढ़ा रही है। ऐसे में आपके चैनल एबीपी न्यूज ने देश हित में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुहिम चलाई हुई है। बंद करो रैली ताकि बच जाए जान, एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर होता भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस पर राज्यपाल की मंजूरी की मुहर लगनी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी बना हुआ है, चुनावी राज्यों में रैली पर रोक कब? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।